मबरूक अहराम ले लिए। ये खुशबू कैसी आ रही है बता। आला खुशबू आ रही है, गरम गरम हलवे की है ना। महात के लिए इलास्टिक वाला ले लूं, स्कर्ट की तरह पहन लेगा। तो बाजी लाइक्स का टारगेट 600 टुडे 600 लाइक्स बाजी ने बोला है 600 लाइक्स करने हैं तो ये करने हैं, ये कर लेंगे ना। क्या लगता है कर लेंगे? करेंगे क्योंकि आगे आगे फिर व्लॉग भी तो देखने ना इन लोगों को, तो अच्छे अच्छे लाइक्स करोगे तो ही तो कर देना भाई 600 लाइक्स कर देना फिर इंशाल्लाह। सही है, हमने बाजी को बोला कि जरा बाहर का टेम्परेचर भी तो चेक करो ना धूप में जाके। अदु भाई आप ये पहन लें जी, धूप में जरा खड़ी होके देखो कैसे चिलचिलाती हुई धूप है ना। बादल है अभी तो। और ये बाजी का सपना था कि ये चप्पलें पहन के बाहर जाए ना। तुम लोगों के डोरबेल वगैरह का चक्कर नहीं है? नहीं, हम दरवाजा बजाते हैं डायरेक्ट जो आता है। बाजी जरा चप्पल उतार के पैर रख के देख जमीन पे। चल रहे मेरे नानी के घर का सहनिया आ रहा है ना। हां भाई तुम्हारी तो ईद हुई है। आज पहली इफ्तारी है बाजी लोगों के हमारे। और जाहिर है अब वो वहाँ से आई है तो उसने यहाँ पे जद्दा इस तरह से नहीं देखा है दिन के टाइम में। रात के टाइम उनकी फ़्लाइट लैंड हुई थी, उसके बाद रात के रोड थे, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो। तो मैं अब ये दिन के टाइम जद्दा कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टी में, आ जाओ। मैं और सादी आए अलबेग लेने के लिए बाजी गाड़ी में, फिर ले के निकलते हैं तो बताते हैं आप लोगों को। खुशबू कैसी आ रही है बता। आला खुशबू आ रही है, गरम गरम अलबेग की है ना। डालूंगा कि कैसा लगा ये, बिल्कुल ताजा ताजा लगने शुरू हो गया। जाओ जाओ दूसरे, वैसे तो तुम आके पहचान रही थी घर। मुझे एकदम से कुछ मुखालता हो गया, मैं उधर जाने लग गई। आ जाओ अलबेक लाई हो है, अलबेक खाओगी आज गरम गरम ताज़ा ताज़ा बिल्कुल है। बेल बजा लो। अच्छा जब भी बेल बजाना ना तो ध्यान से बजाना, क्योंकि अक्सर यहाँ पे इस चौखट के पीछे से छिपकली भी निकलती है। ओह माय गॉड जी, रात के टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि इसके पीछे या तो जाती है या निकलती है। वालेकुम सलाम। अब रोजा लगने लगा, कह रही है टाइम कितने बजे खुलता है रोजा। मैंने कहा खुशबू आ गया, खुशबू आ गई, तो मैंने कहा भाई ये खुलेगा कितने बजे, फिर मैंने चेक कर लिया 5:46 पे। तो भाई अफ्तार लग चुकी है, अलबेक जो है हमने सर्व कर दिया है, और घर के अंदर जो समोसे पकोड़े वाले जो रिचुअल है वो भी कायम है। तो बस अफ्तार करके फिर उसके बाद रिव्यू जो है साद का, बाजी का और अद्दू भाई का, सबका जो है वो प्रॉपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन लोगों को कैसा लगा पहले दफ़ा ऐसे अलबेक खा के एकदम। ठीक है ना, आ जाओ भी जरा इफ्तार करेंगे भाई। माशाल्लाह इफ्तार में रोल्स, समोसे, खीर जो कि कल नम्मो ने बनाई थी और किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। खीर लग रही है। हाँ खीर होती है, और फ्रूट चाट। ये फ्रूट चाट बाजी तुमने बनाई है आज? शक्ल बता रही है उसकी क्या, आज किसी और ने बनाई है? माशाल्लाह। और अलबेक माशाल्लाह फबी ये आला है रब्बी कुमा तो कर देबान। और सेल्फी कबूल हुई भी दुआ, ये क्या मांगू अपने रब से। अन्नु मामा अब क्या मांगू अपने रब से, बस अन्नु मामा का वीजा लग जाए। नगेट्स तो क्या बता रही थी? आला फिश नगेट्स है भाई। मजा आ गया, स्पाइसी अंदर तक फुल टेस्टी। सारी वीडियो ट्राई। अद्दू भाई आपका क्या ख्याल है? ओह सो डिलीशियस माशाल्लाह, रियली मजा आ गया। बिलाफी हां बिलाफी बिलाफी। आई हैव नेवर टेस्टेड चिकन लाइक दिस इन कनाडा, दे कंप्लीटली डिफरेंट। सो इट्स टेस्टी और नॉट? या चिकन ब्रोस विद अ सॉस, बहुत डिफरेंट, नेक्स्ट लेवल है, स्क्रम्पशियस, बहुत मजे का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल हैवी नहीं हो रहा इसमें, जैसे खा के ना वो पाइस वाले की तरह होता है, हैवी और ये ना वो भी ना।
You liked it, Mahat? Yeah, but I haven't even tried the actual turkey though. I only tried the nuggets? Well, sure. One chicken, one fish. I'm gonna try that one too. आप भी दे दें अपना रिव्यू. अल्बेक, अल्बेक इज लव. इट फील्स सो मच डिफरेंट देन द कनाडा वाला वन. इट टेस्ट्स लाइक 10 टाइम्स बेटर. माशाल्लाह. सो व्हिच वन इज बेटर, दिस वन और पपाइज? ओह, दिस वन. अल्बेक. और चिकन नगेट्स देख, इसके वो वाले नहीं है कि पिसा हुआ कीमा और नगेट बने हुए हैं, ये लेयर्स हैं. इसमें पता क्या होता है, कीमा कम होता है, सिर्फ मैदा और अंडा मिला के ना वो बना देते हैं. ये प्योर चिकन है, टेस्ट वाला चिकन है. और ये पिसा हुआ नहीं है, ये लेयर्स हैं. एक तरीके से गौर से देखना, इसमें लेयर्स नजर आएंगी. एक बार फिर से अलबेक के सामने नमो तुम्हारे पेटिस रोल और समोसे बच गए. तुमने फौरन बर्तन संभालने एकदम शुरू कर दिए बाजी, बस कर दो बाजी. एक कमेंट आया है तुम्हारे लिए, कह रही है आपकी बाजी जवेरिया सऊद जैसी लगती है. बाजी फूले नहीं समा रही है. मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हो. अच्छा. जाओ पहले, ऐसा कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. क्या हो गया? तुम जाओ बैठो अंदर जाके, मैं इसको लेके जाऊंगा. अंदर आओ बैठो, बाद में करना है. चलो भाई, प्रिपरेशन हो चुकी है. हम असल में ना सो गए थे कोई अफ्तार करते साथ. उसके बाद ऐसा मैं कोई तीसरे में गुम और चौथे में दुम हुआ था. आपकी सोच मतलब जद्दा से बाहर हो गया था एकदम, ऐसा सो गया था. अभी सो के उठे हैं और टाइम पता नहीं क्या हो रहा है. टाइम कितने बज रहे हैं? दो, डेढ़ दो बज रहे हैं. हाँ, दो बज रहे हैं रात के. तो अभी हम पार्टी जा रहे हैं, शहरी पे जा रहे हैं मम्मा की तरफ. और मजा आने वाला है अभी, खूब सब तैयार है माशाल्लाह. आओ. वेरी नाइस शर्ट, लाइक मामू जान. यू नो व्हाट, इट्स अ कॉल फॉर हगी बिकॉज़ वी हैव सेम शर्ट्स. चला ओके, टाइट. ओ ओई ओ हो ओ माशाल्लाह, ही सो स्ट्रांग माशाल्लाह. और नमो जी हगी. हाँ भाई बाजी माशाल्लाह, चप्पलों में बाहर जा रही हो आज तो. हमारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई, अबाया पहन के और चप्पलों में बाहर जा रही है बाजी. सबसे ज्यादा क्या तुम्हें इरिटेटिंग लगता था कि चप्पलें जूते पहनने पड़ते थे? सॉक्स और शूज. आई हेट. सुनो, अबाया में परफ्यूम लगा लो ना कोई, वो बहुत देर से टंगा हुआ था. ये देखो ना, हमने यहाँ पे जखीरा रखा हुआ है पूरा. इधर प्लीज बोले थे हमारा परफ्यूम कॉर्नर यूज करना. फाइनल भाई सहरी माशाल्लाह लग चुकी है जबरदस्त किस्म का. सलाद से अगर हम स्टार्ट करें तो सलाद जबरदस्त. ये कढ़ाई है ना वो, गोश्त. और ये चिकन चिल्ली, ये ट्रेडिशनल चिकन चिल्ली है भाई, ये जरूर खाना. और ये है दही वाली चिकन माशाल्लाह. ये जिसे तुम चिकन गुंबला बोलते हो ना, ये वो है. और ये लस्सी जी, गोश्त को भी खा लोगे. और माशाल्लाह रुबीना भाभी भी उम्रे पे आई हुई हैं जी. अस्सलाम वालेकुम जी. व्लॉग में पहली दफा आ रही हैं तो मैंने कहा आप लोग, आपका तारुफ करवा दूं. रुबीना भाभी हमारी बहुत अच्छी भाभी हैं, कराची से आई हुई हैं उमरा करने के लिए. अल्लाह ताला आपका उमरा कबूल करे. और आप मेरे सब सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ करिएगा दोबारा जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह. हाँ पार्टी, हेलो. फुल टाइम ड्रामा डिस्कशन चल रही है भरपूर करके, ऐसे जैसे असली में किसी की जिंदगी हो. ऐसे डिस्कशन हो रही है. और एक और था वो, क्या नाम है, हदीका क्या नहीं का जो ड्रामा था. हां दोबारा, कितना जबरदस्त ड्रामा था यार, मुझे इतना अच्छा लगा संगे माँ. देख रही है बाजी, संगे माँ भी बहुत अच्छा चल रहा है. संगे माँ में आते पता क्या है, और दीवान ने जैसे की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अदा है, मजा आता है. उसका बेटा भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है. अच्छा पूरा अपने आप. हाँ सेम टू सेम. हाँ और अभी एक मैंने खत्म भी कर दिया, वो भी बहुत अच्छा.
अच्छा था, वो बड़ा मशहूर हुआ था, मुश्तखाक भी क्या ड्रामा था, मतलब मुझे फिरोज खान के वैसे भी ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगता है। हालांकि मुझे वो सना बहुत अच्छी नहीं लगती, सना नाम है ना उसका, सना जावेद, हाँ वो नहीं अच्छी लगती, बहुत ही आम सी है, बस थोड़ा ज्यादा इतराती रहती है। फीफा चल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह फुल भरपूर। आज हमारे पास दो साध, दो सलमान, एक महाल, एक सलमान, दूसरा सलमान, एक साध, दूसरा साध, माशाल्लाह तो पहले पहले। हम दोनों अहराम लेने के लिए आए और इंशाल्लाह आज क्योंकि उम्रा करने जाना है ना, फिर से तो हम लोग निकल के, हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, एक मिनट में दिखा के आता है इधर। महात के लिए इलास्टिक वाला ले लूँ, स्कर्ट की तरह पहन लेगा। हाँ महात के लिए प्लास्टिक वाला ले रहा है, ठीक है बच्चे वाला ये दे दो। और भाई हुज्जाज इकराम के अहराम ले लिए भाई, मबरूक मबरूक, अहराम ले लिए, ये लो रख लो। तो भाई अल्लाह के शुक्र है हम लोग आ चुके हैं घर और शदीद थकन हो चुकी है, और रात को इंशाल्लाह ताला अफ्तार के बाद हम लोगों का उम्रे का अपॉइंटमेंट है। बाजी एक्साइटेड हो उम्रे के लिए पहली दफ़ा? इंशाल्लाह। क्या क्या फीलिंग है, क्या वो है बताओ जरा, ब्लॉग भी बनेगा उम्रे का इंशाल्लाह। क्या एक्सपेक्ट कर रही हो कि जब कोई बंदा पहली, मुझे ये देखना है कि पहली दफ़ा जब कोई उम्रे पे जा रहा होता है तो उसकी क्या फीलिंग होती है, मुझे नहीं पता वो फीलिंग। बहुत इमोशनल होती है कि लाइक ऐसा लग रहा है कि बस अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने यहाँ तक लेकर आया, और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारे काम आसान करवा दें, आप दुआओं में याद रखिएगा। और मिक्स फीलिंग्स हैं, खुशी है जो बयान नहीं कर सकते, बस ऐसी खुशी है। चलो इंशाल्लाह ताला वो खुशी जो होगी इंशाल्लाह बाजी की, वो आप लोग कल वाले व्लॉग में देखोगे। कल मैं इंशाल्लाह पूरा व्लॉग बनाऊंगा उसका उम्रे का, जो बाजी लोग पहली दफा उम्रा करेंगे तो इन लोगों का क्या एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बाजी लाइक्स का टारगेट 600 टुडे, 600 लाइक्स बाजी ने बोला है, 600 लाइक्स करने हैं, ये कर लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह सही है। चलो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये हम पूरी पार्टी है, मेरे पीछे कोई है ही नहीं मैं यूं करके बोल रहा हूँ, ये हम पूरी पार्टी पीछे मुड़ के देखा कोई है ही नहीं डाल दीजिएगा जरूर।